अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर याहिया नूरी, जो के ऑथर भी हैं और जो है ना वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट से बहुत पुराना इनका ताल्लुक है और मेडिकल साइंस से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। तो ये इंशाल्लाह आज हम थोड़ी कोविड पे भी बात कर लेंगे इनसे और जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे इनके एक्सपीरियंसेस हैं उस पर भी शेयरिंग कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ज़रा कि एजुकेशन और प्रोफेशनली क्या क्या कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जनाब एवरीवन। मेरा ताल्लुक़ काफ़ी ज़माने से पढ़ाने से है। आप यूँ समझ लें कि जब मैंने होश संभाला, थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि ज़रा ज़्यादा होश संभाला, तो उसके बाद से फ़ौरन बाद पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेरे ठीक ख़्याल में है, मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ाया जब मैं क्लास 8 में था, और उसके बाद से मैं मुसलसल पढ़ा रहा हूँ। प्रोफेशनली फ़र्स्ट टाइम 2000 में मेरिटोरियस से आगाज़ किया था। कुछ अरसे मेरिटोरियस में पढ़ाया, फिर मेरिट इन मेरिट तकरीबन 10 साल से वास्ता है मेरिट इन मेरिट से, ऑन एंड ऑफ चलता है। कभी पढ़ाता हूँ, कभी ब्रेक ले लेता हूँ, कभी पढ़ाता हूँ, तो लेकिन मुसलसल सिलसिला जारी हो सारी है। 2008 में डाउ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज अ रिसर्च बात पढ़ाना एसोसिएट। शुरू किया। फिर उसके बाद PhD करने के लिए ग्लासगो गया, वहाँ से वापस आया, तो उसके सही, बाद यूनिवर्सिटी में ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टेंटली। उसके बाद पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ वहाँ पर। और उसके बाद साथ में दर्स निज़ामी चल रहा था वापस आने के बाद, वो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर ख़त्म हुआ है। तो अब मदरसे में तफसीर पढ़ाता हूँ अपने हिदाया एकेडमी में, और सही हम सिरात मुस्तकीम मस्जिद है 13D में, वहाँ एक कोर्स अभी कुछ अर्से पहले ख़त्म हुआ है, वो करवा रहे थे, शॉर्ट कोर्स कह लें आप इस्लामिक एजुकेशन का। और साइकोलॉजी का शौक है, CBM में विजिटिंग फैकल्टी हूँ, वहाँ साइकोलॉजी मार्केटिंग पढ़ाता हूँ। PGD किया है अप्लाइड साइकोलॉजी में, मास्टर्स किया है, MBA किया है क्रॉ यूनिवर्सिटी से, तो काफ़ी कुछ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोशिश ये है कि बस जो कुछ सीखा है उसको दूसरों सही के साथ बांटा जाए, सिखाया जाए। लिखने का शौक था तो फेसबुक पेज के ऊपर लिखना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अच्छे लोग पढ़ने आ जाते हैं, और बाकी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके ऊपर भी अपनी तहरीरें शेयर करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा पढ़ने और पढ़ाने का। यही मेरा छोटा मोटा सा तारुफ है जनाब। सही। आपका PhD है सर किसमें? तो मेरा PhD है इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी में, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी कह लें आप। सही, और फिर वो मेडिकल साइंस से एकदम आप मैनेजमेंट साइंसेस की तरफ आ गए, और सोशल साइंसेस भी नहीं छोड़ी, साइकोलॉजी भी कर ली, माशाल्लाह। असल में पढ़ाने का शौक आपको ना पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है। तो सोशल साइंसेस का सारा ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से है कि आप अच्छा किस तरह पढ़ा सकते हैं। तो जब आप अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो सही, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो बस ये है सिलसिला। तो टीचिंग मेथडोलॉजीज पढ़ाना, लोगों की नफ्सियात, अपनी बात किस तरह अच्छी तरह पहुंचाई जा सके लोगों तक, ये सारी चीज़ें सीखने का शौक था, इस वजह से सोशल साइंसेस की तरफ चला गया। MBA का शौक सही इसलिए था कि देखूं तो क्या होता है, और दूसरा रीज़न ये था कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी जो है ये शाम में पढ़ाई नहीं जाती, और मैं कोई और काम करना नहीं चाहता था। सही यूं समझ लें कि और कोई काम मुझे ना आता है ना मैं करना चाहता हूँ। तो नतीजा सही ये निकला कि शाम में पढ़ाने का शौक जो है वो MBA की तरफ ले गया, और बस अब ये सफ़र सही जो है फिलहाल थोड़ा सा कुछ, अब मेरा फोकस इस पे है कि मैं जनरली बजाय डिग्रीज करने के कुछ कोर्सेज में एनरोल हुआ हूँ और वो कोर्सेज कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपकी एनर्जी कम लगती है, टाइम कम टाइम में आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो बस ये चलिए सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, अब मैं वैसे तो हमारा टॉपिक रमज़ान से रिलेटेड है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि चूंकि आपका ये मुझे इम्यूनिटी वाला जब हिस्सा पता चला है, तो अगर हम थोड़ी सी पहले ये कोविड पे थोड़ी सी बात कर लें कि ये, क्योंकि वो कोविड और इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं ना दोनों लफ्ज़, तो बताएं थोड़ा, आवाम परेशान है, हम सब परेशान है कि ये मसला क्या है, इसको थोड़ा सा इस पे बात कर लेते, फिर इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगर हम बात शुरू करें तो हम थोड़ी बेसिक वायरोलॉजी से बात शुरू करते हैं, थोड़ी तवील हो जाएगी लेकिन इसका एक बैकग्राउंड बन जाएगा तो लोगों को समझ जरा शायद बेहतर तरीके से समझा पाऊँ मैं। देखें, सही साथ साथ मैं बहुत सारी साजिशी थ्योरीज का जिक्र भी करता जाऊंगा, क्योंकि वो ठीक है अफवाहें जो तो आवाम में फैल रही हैं और फैलाई जा रही हैं लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए,
एट टाइम्स मैं सोचता हूँ कि वो तो कौन लोग हैं जो इस किस्म का काम करते हैं कि गलत खबर को WHO के साथ मंसूब करके या गलत इत्तला को बाकायदा कागज पे छाप के और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करके उनको क्या मिलता है। तो बहरहाल ये कभी कभार मैं सोचता हूँ कि इसकी क्या रीजन हो सकती है, क्यों करते हैं लोग, लोगों को मिसगाइड इंटेंशनली क्यों किया जाता है। देखें एक बहुत पुरानी खबर ये आई कि जनाब कोरोना वायरस जो है वो लैब में तैयार हुआ है। मेरी एक आदत है कि मुझे जिस चीज़ के बारे में बराह रास्त इल्म नहीं होता, मैं कोशिश करता हूँ कि उस इल्म के माहिर से पूछ लूँ जाके कि वो क्या कहते हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं, हमारे यहाँ एवोल्यूशन वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया, डॉक्टर कामरान अजीम के हवाले से कुछ खबरें आई, जो माजू में डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं एचएम में बहुत अरसे तक, उनका भी यही मैदान है। तो दोनों का कहना ये था कि नहीं जनाब, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है जो कि लैब में प्रिपेयर की गई हो। असल में होता यह है कि अब आप जीनोमिक एनालिसिस के जरिए बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि ये जो चेंज आया है ये एब्रप्ट है, ये जिस तरह आया है ये मैन मेड है या ये नेचुरली आया है। नेचुरली हर चीज चेंज होती है ना, आप अगर 5 दिन एंटीबायोटिक खाने के बजाय 3 दिन खाएंगे तो अगली दफा जब इन्फेक्शन होगा तो आपके ऊपर उस इन्फेक्शन का असर खत्म करने के लिए वो एंटीबायोटिक बेकार हो जाएगी। आमतौर से क्यों होता है, क्योंकि आपके बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए, और ये काम हम लैब में विद इन 3-5 डेज कर सकते हैं कि हमें रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स मिलना शुरू हो जाते हैं अगर हम उनको सब अमाउंट में, कम अमाउंट में एंटीबायोटिक्स दें। तो हमारे सामने होता हुआ प्रोसेस है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो वायरसेस भी इवॉल्व होते हैं, कोरोना वायरसेस, इससे पहले अगर आपको याद हो तो मर्स कोरोना वायरस एक आता है, हज और उम्रे के दिनों में उसका बड़ा शोर उठता है क्योंकि वहां लोगों को बहुत ज्यादा ये अफेक्ट करता है और वो नमूनिया कराता है और उसकी वजह से लोगों की डेथ होती है। इसी तरह इससे पहले सार्स कोरोना वायरस आया था। तो ये वायरसेस की एक फैमिली है, हर वायरसेस जो है ना वो जल्दी तब्दील हो सकते हैं, अपने आप को आसानी से तब्दील कर सकते हैं, बड़े सिंपल, हम उनको ऑर्गेनिज्म भी नहीं कहते, हम उनको कहते हैं कि दे आर अ बाउंड्री लाइन बिटवीन, जिसको आप कह लें कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो उनके बड़े सिंपल से सिस्टम्स होते हैं, उनके लिए चेंज होना बहुत आसान है, और नतीजा ये निकलता है कि नए नए वायरसेस बनते रहते हैं। नॉर्मली वायरस अक्रॉस द किंगडम नहीं जाते लेकिन जा सकते हैं। सो एक वायरस जिसने प्रॉबली किसी एनिमल से ह्यूमन तक का सफर किया और फिर वो अपने आप को इतना चेंज करने में कामयाब हो गया कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने लगा। और भी वायरल डिजीजेस होती हैं, HIV है, हेपेटाइटिस हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है, और इस तरह की और डिजीजेस भी हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये वायरस जो है ना रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल रहा है। सही, मैं छींकूंगा खांसूंगा, अब मेरे रेडियस में जो भी है अगर वो हवा में सस्पेंडेड है तो जब दूसरा बंदा सांस लेगा वो उसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, ये बात ठीक है कि जी मोर्टैलिटी रेट चलें 2% मान लेते हैं, 4% मान लेते हैं, लेकिन आप तसव्वुर करें कि अगर कराची की 2 करोड़ की आबादी का 2% निकाल लें आप, 2 करोड़ का 2% आएगा 4 लाख, 4 लाख, तो 4 लाख लोग क्रिटिकली इल होके मर जाते हैं विद इन 3 मंथ्स फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, अल्लाह तौबा। तो क्या होगा, आपका हेल्थ केयर सिस्टम इसको संभाल नहीं सकेगा। आपको याद होगा 2 साल पहले हीट वेव, 2-3 साल पहले हीट वेव आई थी, 2017, हाँ, कोई चंद 100 लोगों की डेथ हुई थी उसके अंदर, शहर में कब्रिस्तान मिलना मुश्किल था, शहर में आपको मैयत गाड़ी नहीं मिलती थी, आपको गुसल का इंतजाम नहीं होता था, आपके पास कोल्ड स्टोरेज खत्म हो गई थी। और ये उस वक्त हुआ था जब आपके चंद 100 लोग बीमार हुए थे, हम कह रहे हैं 4 लाख लोग। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह, किस तरीके से बैठेगा। फिर दूसरा मसला ये है कि जो बंदा आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है, जाके आप उन डॉक्टर्स को देखें जो कि चंद एक बड़े हॉस्पिटल्स के अलावा जनरल सेटअप्स में बैठे हुए हैं, जिनका पेशेंट से एक्सपोजर हो रहा है कॉन्स्टेंटली। अच्छा, बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ पेशेंट आके सही बात भी नहीं बताता, क्योंकि मेरे काफी दोस्त हैं इस तरह के जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, सो मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज इसकी मौजूद है, फर्स्ट हैंड ना कहें तो सेकेंड हैंड कह लें। मरीज ट्रैवल करके आए, वो नहीं बताता कि मैं ट्रैवल करके आया हूँ जी, मुझे सर्जरी करानी है। सर्जरी हो गई, डॉक्टर ने इत्तफाक से उसको शक हुआ, टेस्ट भेजा, टेस्ट पॉजिटिव आया, पूरी टीम अब बैठी हुई है कोने में कि कहीं हमें ना हो गया हो। तो 15 दिन के लिए आपकी वो पूरी टीम, जिसमें 4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 8 लोग हो सकते हैं, वो सारे के सारे उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि, क्योंकि अगर हेल्थ केयर वर्कर बीमार है तो वो 10 और लोगों को लगाएगा ना, तो इसलिए नहीं, उनकी अपनी हिफाजत से ज्यादा उनकी भी हिफाजत जरूरी है जिनसे वो इंटरेक्ट कर रहा है। सो इसका जो फैलने का मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है।
लॉकडाउन से हमें फायदा हुआ है, लेकिन एक खदशा ये है कि पता नहीं हम पूरी तरह टेस्ट भी कर पा रहे हैं नहीं। पर दूसरा मसला ये है कि हम जो टेस्ट करते हैं उसकी वो 100% जरूरी नहीं है कि वो चीज़ पिक कर ले। 20-30% सही चांस है कि जी ये टेस्ट नेगेटिव आएगा बावजूद इसके कि डिजीज मौजूद होगी। अब ठीक वहां है पे डॉक्टर्स, एक चीज मैंने ये देखी, एक आध जगह सुना कि जी टेस्ट नेगेटिव आ गया, डॉक्टर ने कोरोना कह दिया। मुमकिन है सही कहीं कुछ गलत भी हो रहा होगा, मैं इसको डिस्काउंट नहीं करता, लेकिन सही मुझे अपनी आंखों से एक चीज नजर आ रही है ना, मुझे नजर आ रहा है कि उसके लंग्स बुरी तरह क्लॉग्ड हैं, टेस्ट सही नेगेटिव है। तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहूंगा कि यार इसको हो सकता है बावजूद इसके टेस्ट नेगेटिव आया। मैंने 8 साल टीबी में काम किया है, ट्यूबरक्लोसिस में कई दफा स्मेयर जो आपका थूक होता है, बलगम होता है, वो नेगेटिव आ जाता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी एंटी टीबी ट्रीटमेंट शुरू कराता है क्योंकि उसका तजर्बा ये कह रहा होता है कि भाई ठीक है टेस्ट नेगेटिव है लेकिन 5-10% नेगेटिव आता है। मेरा तजर्बा ये कह रहा है कि इसके लंग्स के अंदर से देख के मुझे लग रहा है कि इसको टीबी है, और बहुत दफा वो रिस्पॉन्ड कर जाता है। सो आपको कहीं तो किसी पे भरोसा करना पड़ेगा ना, जो लोग उस ठीक फील्ड है के माहिर हैं। फिर अगर अल्लाह ना करे, एक बात बार बार सुनने में आ रही थी, साजिश है भाई। अगर साजिश है चले हम मान लेते हैं, अमेरिका वाले झूठ बोल रहे होंगे, चाइना वाले झूठ बोल रहे होंगे, या कोई तो पूरी दुनिया में सच बोल रहा होगा। क्या सही सारी दुनिया इतनी जेरे असर, आप यहां से निकल के आगा खान चले जाएं, आप निकल के ओझा चले जाएं, आप वहां जाके मरीज अपनी आंखों से देख लें, लेकिन उसके बाद आपकी गारंटी नहीं है कि आप लगा के लेकर आएंगे या नहीं। तो जिन लोगों को, जो लोग सही उनको जानते हैं, फिर पोल्स नजर आ रहे हैं जी आपने कोई मरीज देखा है नहीं देखा। भाई अगर 20-25 हजार मरीज मौजूद है, 22 करोड़ की आबादी में से कितनों ने देखा होगा? तो किसी ना सही किसी पे तो भरोसा आपको करना पड़ेगा ना। अगर खुदा ना खास्ता सुनामी आ रहा होता है, तूफान आ रहा होता है, तो आप हमसे हर बंदा तो जाके नहीं देखता कि अच्छा समुद्र में 5 मील दूर है, मैं देख कर आऊंगा तब मैं यकीन करूंगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, या मैं उस सही सिस्टम को जो बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भरोसा करता हूँ। फिर ये हमारी गवर्नमेंट है, इन दी एंड हमें इस पे ही भरोसा करना है, और इस इसके इकदाम के तहत ही हमारी जिंदगी पे असर पड़ेगा। अगर हम इस पे भी सही भरोसा नहीं करेंगे तो अपने तौर पे तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते ना। फिर तो हम वो कहते हैं जंगल में शेर आया तो आप क्या करेंगे जी, जो करेगा वो शेर ही करेगा, हमने क्या करना है। तो ये वाली बात सही है, ठीक। अच्छा अब ये तो हो गई काफी लंबी इसकी तारीफ एक कर दी और मैंने। वो नहीं, ये तो इस वो वाली साइड हो गई ना कि वाकई में बीमारी है। अब ये जो इम्यूनिटी को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, या वाकई में इसका इम्यूनिटी से कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? अच्छा देखिए, हम में से हर शख्स अल्लाह ताला ने एक अलग बनाया है। अच्छा, सही है और हम में से हर एक का अपना एक जेनेटिक सिस्टम है जिसकी वजह से हम कुछ डिजीजेस से ससेप्टेबल होते हैं, यानी हमें ये चांस होता है कि हमें वो डिजीज हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपकी फैमिली में कार्डिक प्रॉब्लम्स रन करती हैं या आपकी फैमिली में डायबिटीज रन करती है, तो चांसेस हैं कि आपको भी हो जाएगी अर्ली सही एज में। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जिनके तहत, जिनके लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इक्विप नहीं है, उसके अंदर ज्यादा चेंजेस की वजह से किसी चीज से ससेप्टेबल है, किसी चीज से वो प्रोटेक्टेड है। सो सही एक दो चीजें होती हैं, हम और हमारे सामने से आने वाली बीमारी। अच्छा, सही कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके जरासीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, सही तो अगर वो आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होगा तो आपका इम्यून सिस्टम अगर मुनासिब भी है तो वो उसका मुकाबला कर लेगा। सही जरासीम हमारी जिंदगी का, आप यूँ कह लें, हमारा उनका जन्म जन्म का साथ है। जिंदगी के पहले चंद मिनटों के अंदर ही हमारे गले के अंदर जरासीम आके रहना शुरू हो जाते हैं, और हम और वो को एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक सही दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। और ये जरासीम एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं, हम उनके साथ मिलकर रहते हैं, इससे हमारा डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। कुछ अच्छे जरासीम होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मेरे गले में मेरे नॉर्मल फ्लोरा, उनको कहते हैं फ्लोरा, रहेंगे तो वो खतरनाक जरासीम को वहां बैठने नहीं देंगे आगे। सो इस तरह सही एक है सिस्टम बन जाता है जिसमें जरासीम और हम मिलके काम कर रहे होते हैं। अब इसमें कुछ जरासीम ठीक ऐसे आते हैं जिनकी हम टर्म इस्तेमाल करते हैं विरुलेंस। विरुलेंस बहुत ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम शिजेला कहते हैं, चंद सौ भी अगर जिस्म में दाख, चंद सौ एक वैसे आपको छोटा नंबर लग रहा होगा, लेकिन एक पानी के कतरे के अंदर जो है वो हजारों हो सकते हैं। तो अगर सही चंद सौ भी जिस्म में दाखिल हो जाए तो वो आपको बीमार कर देंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि हजारों की तादाद में चाहिए आपको बीमार करने के लिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो 10-15 हों तो वो भी आपको बीमार कर देंगे।
जाहिर है ये सही। एक कैलकुलेट करने वाली चीज है, अभी वायरस के बारे में नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना होगा, बट जो जो स्टडीज दिखा रही हैं वो ये है कि भाई ये एक अच्छा खासा विरुलेंट ऑर्गेनिज्म है, बड़ी आसानी से ट्रांसफर होता है और बीमार कर देता है लोगों को। कुछ को माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, कुछ जिनके अंदर पहले से कोई प्रॉब्लम है, सिगरेट है या उनके लंग्स में कोई इश्यू है या वो और कमज़ोर है किसी वजह से, और या एज का फैक्टर है, उसकी वजह से वो जल्दी इफेक्ट होते हैं, और जब वो जल्दी इफेक्ट होते हैं तो उनके अंदर डिजीज सीवियरिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली कोई भी डिजीज़ है उसमें आपकी इम्यूनिटी किरदार अदा करती है, सही वो आपको किसी ना किसी हद तक प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो हजारों का नंबर है उसमें से सैकड़ों की डेथ्स हैं वो इसी वजह से है कि हजारों जो लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, और ये जो जो चंद बेचारे हैं जिन जो कि ससेप्टेबल थे पहले से, उनको जाहिर है आपको ये करना पड़ेगा कि वो नहीं बचेंगे। और एक वक्त आता है, जाहिर है आपने देखा हुआ है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की बर्दाश्त क्या है, कि हेल्थ केयर सिस्टम को ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमने एक 40 साल का बंदा बीमार है और एक 70 साल का बंदा बीमार है, अगर मेरे पास एक वेंट है तो मैं 70 साल वाले को दूंगा या मैं 40 साल वाले को दूंगा। तो वो वक्त दुआ करें ना आए हमारे ऊपर, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे तो खैर रोज ही जाना होता है, तो मैं देखता हूँ कि पब्लिक फुल मस्त है, घूम रही है, याशी कर रही है, इधर उधर मिलजुल रही है और खूब तफरी कर रही है। तो बस अल्लाह हम पे रहम करे और अच्छा, अल्लाह ताला ही बचाने वाले। बस इसका आखिरी सवाल फिर हमारा टॉपिक वो ये है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे से खतरा टल गया, यानी क्योंकि पहले प्रेडिक्शंस ये आ रही थी कि अप्रैल के मिड में ये हाइप करेगा, एकदम इसका पीक आएगा, फिर ये नहीं आए अप्रैल के मिड में वैसा नहीं हुआ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम चूंकि पहले से इतनी बीमारियों का सामना कर चुके हैं, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ी हुई है और पाकिस्तान को वैसे खतरात नहीं है जैसे कि यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में हुआ, तो इसमें कितनी सदाकत आपके तजुर्बे में है इस अच्छा, बात इसके में? बारे में हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, उसकी चंद वजूहात हैं। एक वजह उसकी ये है कि हम ये कह नहीं सकते कि हमारे यहाँ तमाम जो डेथ्स हो रही हैं उनमें से कितने फीसद वाकई में कोरोना की वजह से हो रही हैं। हमारे यहाँ सही मसला ये है कि मेरा एनालिसिस उतना ही अच्छा होगा जितना मेरे पास डेटा अच्छा होगा। बैठा होगा, अगर सही मेरा डेटा ही ठीक नहीं होगा, जो कि हमें मुझे और आपको सबको पता है कि हमारे यहाँ डेटा जनरेशन या इवन हेल्थ केयर सिस्टम का कोई भी सिस्टम हो उसके अंदर कितना बड़ा फ्लॉ है। अगर मेरे पास रिपोर्ट आती है कि जी 1,500 मोबाइल एक एक हफ्ते में छिन गए हैं या एक महीने में छिन गए हैं, तो मुझे यकीन होता है कि इससे तादाद 4 गुना ज्यादा ही होगी, बिकॉज वो सारे के सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते। यही मामला डेथ का है, हमें नहीं मालूम कि कितने लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से जा रहे हैं, कितने लोग बगैर उसकी वजह से जा रहे हैं। तो दूसरी सही बात ये है कि हमें अभी ये भी नहीं पता, हम ट्रेंड देख रहे हैं, ट्रेंड जो एक तरह से इस वक्त ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और ये अभी मजीद शायद थोड़ा फ्लैट होगा, फ्लैट होने के बाद ग्रेजुअली नीचे आएगा, फिर ये होगा कि जब जिन लोगों को डिजीज हो गई है और वो ठीक हो गए वो इम्यून हो जाएंगे, फिर वो वायरस को आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो चंद महीनों में चीजें सही बहुत बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये कि अभी वो कहते हैं ना वॉच एंड वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, अभी हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि हम अपने डेटा पे भी सही तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। सही सर, जजाक अल्लाह। मैंने आपके बहुत सारे टाइम में से आपके टाइम में से बहुत सारा टाइम कोरोना की नजर एक के साथ। समझ कोरोना की नज़र कर दिया था, अब हम आते हैं, लेकिन वो ज़रूरी था क्योंकि मुझे जब मैंने इम्यूनिटी पढ़ा ना, मैंने ये सही बनता है जिससे जिससे सही जो है ना ये सवालत लोगों के सामने लाने चाहिए। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं, ज़रा मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, या जो आपका दूसरा वाला जो एरिया है जिसमें आपने काफ़ी राइटिंग्स भी की हैं, तो उस पर जरा थोड़ी सी बात करते हैं सर। अच्छा, हम कुछ रमजान के हवाले से बात करने लगे तो मैं पहले रमजान से शुरू करता हूँ। देखिए, मेरा मानना यह है कि हम अक्सर देखते हैं कि जनाब कामयाबी के पीछे सब लोग भाग रहे हैं ना, तो सही कामयाबी का एक एक तो वो पैमाना है जो हमें हर तरफ आपको जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो बताते हुए नजर आएंगे, स्पेशली जिनसे हम मुतासर हैं। मैं नाम किसी का सही नहीं लेता, आप पाकिस्तान से बाहर जिसको भी सुनेंगे वो कहता है जी बी अ मिलियनेयर, आपके पास अरबों रुपए हो जाएं, आपके पास बड़ा सा घर हो जाए, बड़ी सी गाड़ी हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला जो है, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कामयाबी का एक स्पेसिफिक मफहूम बताते हैं, फमन जुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत,
जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल और कर जन्नत दिया में गया, आते बस वो कामयाब है। अच्छा, अब सवाल ये है, एक सवाल और उठता है जो आजकल बहुत उठाया जाता है कि जनाब मेरा इस जिंदगी में मकसद आने का क्या है। तो अल्लाह ताला ने तो बता दिया है कि भाई सही। हमने तो इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए बनाया है। यहाँ इबादत का मफहूम जो है ना, सही। उसको थोड़ा समझाने की जरूरत है कि जनाब इबादत के मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना। मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये भी इबादत है। मैं रोजा रखता हूँ, ये भी इबादत है। मैं हर वो काम जो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी के कंधे पे हाथ रख रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सही। रहा हूँ, वो इबादत है। और अच्छी इबादत कौन सी है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। अगर तुम्हें अपना वक्त अजीज है और तुम अपना वक्त किसी को दे देते हो, तो ये भी नेकी है और ये बड़ी बेहतरीन नेकी है। अगर तुम्हें अपनी दौलत से प्यार है, तो थोड़ा दौलत को भी खर्च करके देखो। तो सही। कामयाबी कब मिलेगी? कामयाबी जब मिलेगी जब आप जिंदगी उस तरह गुजारेंगे जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। आप जहन्नम से बचा लिए जाएंगे और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, तो ये कामयाबी है। और इसके लिए हम वो तमाम चीजें जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमें पैसे कमाने से अल्लाह ताला नहीं रोकते, हमें अच्छा घर बनाने से नहीं रोकते, अच्छी सवारी रखने से नहीं रोकते, अच्छे कपड़े पहनने से नहीं रोकते, लोगों से मिलने जुलने से नहीं रोकते। कुछ कुछ हुदूदो कुयूद बताई गई हैं। अगर उसके अंदर रह के काम करें, नियत अल्लाह की रजा की हो, तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। ये तय है, ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तय कर दिया है। अब सही। रमजान करीम है, तो इस वक्त अच्छा कामयाब वो शख्स होगा जो कि अपनी जिंदगी को बैलेंस रखेगा। बैलेंस सही। रखने से क्या मुराद है जनाब? मेरा ताल्लुक मेरे रब के साथ कैसा है, मेरा सही। ताल्लुक मेरे अपने साथ कैसा है, मैं अपने आप को टाइम देता हूँ या नहीं देता हूँ, मैं अपनी सही। सेहत पे वक्त लगाता हूँ, अपनी फैमिली के साथ कैसा है, अपने करीबी दोस्तों के साथ कैसा है, अपने माशरे के साथ कैसा है, और जिस इदारे में मैं काम करता हूँ उसके सही। साथ कैसा है, अजीज रिश्तेदार जो हैं जो करीबी फैमिली से जरा दूर होते हैं उनके साथ कैसा है। अगर तो मैं इन तमाम एंगल्स को बैलेंस कर लूं, तो मैं एक एक मुनासिब सही। किस्म की जिंदगी गुजारते हुए आखिर तक पहुंच जाऊंगा। और आखिर में तो बस एक पर्दा है, आपने छलांग लगा के उस तरफ जाना है, उसके बाद अबदी जिंदगी है। तो मोमिन जो है वो कभी सही। भी मौत से नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है कि ये सिंपली एक ट्रांजिशन है, इसके बाद तो अय्याशी है। लेकिन अय्याशी कब है? जब आपने यहाँ सही। की जिंदगी ठीक से गुजार ली। और ये जो रमजान है ना, ये सही। बड़ा बाबरकत महीना है, इस लिहाज से कि आपने अगर अपनी मगफरत इसमें ना कराई तो आप बदनसीब हैं। तो वो तो आपसे सल्लम की बद्दुआ। बिल्कुल, अब होता ये है कि जब आप कामयाबी के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं ना, तो वो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट कंट्रोल। सही। आपने अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं। अब ये वो सारी चीजें हैं जो हम अंग्रेजी में सुनते रहते हैं और हमें पता है कि जी हमें, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ए पावर ऑफ इंटेंशन के नाम से आपको किताब मिल जाएगी। तो सही। सबसे पहले हमें हदीस कौन सी पढ़ाई जाती है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। आप सही। किस तरीके से अपनी नियत के साथ काम करें? आजकल जो बड़ी खतरनाक चीज है डिस्ट्रैक्शन की, वो ये है। अच्छा, अगर मैं इसको उठाते हुए ये नियत कर लूं कि मैंने इसको उठा के उमेर साहब को जवाब देना है मैसेज का, और उसके बाद इसको वापस रख लेना है, तो ये सही मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। सही मैं तय कर लूं कि इसे मैं एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये सही राबते का जरिया है, मैं इसे राबते के लिए इस्तेमाल करूंगा, मेरी एंटरटेनमेंट इस स्क्रीन से बाहर होगी, तो ये मुझे सही डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। मैं ये करूं कि मैं, लोग बच्चे मेरे पास आते हैं डिस्कस करने के लिए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल ये मोबाइल फोन का ही है, क्योंकि वो आपको 15 मिनट भी लग के काम करने नहीं देता। मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ इत्तफाक से यहीं बैठ के काम करता हूँ, ये मैंने एक छोटा सा टाइमर रखा हुआ है, सही। तो मैं इसको 15 मिनट पे लगाता हूँ कि मैंने फला किताब पढ़नी है। 15 मिनट तक मैं, अगर कोई कॉल आई तो मैं देख के शायद उठा लूँ, लेकिन मैं मैसेज कोई नहीं देखूंगा, नोटिफिकेशन सारे बंद हैं, उनकी आवाज़ नहीं आती सही। मुझे, तो मैं अपनी मर्जी से फोन उठाता हूँ। या तो आप इसके कैदी हैं या ये आपका कैदी है, या आपने तय करना है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना सही। बहुत जरूरी है, और डिस्ट्रैक्शन से आप बचेंगे जब आपकी नीयत बिल्कुल सॉलिड होगी कि यार मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ और इतनी देर तक करना है मुझे। आपने इंटेंशन बनानी है हर चीज से पहले, हर काम से पहले। सही। तो इसी तरह रमजान शुरू हुए हुए कुछ थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो हमें एक निजामुल औकात बनाना चाहिए कि भाई मैं, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ काम आपने करने हैं, चंद चीजें जो आपके करने की होनी चाहिए वो क्या है भाई? आपने बहुत सारी दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से,
यही वक्त है मांगने का, तो 10 मिनट 15 मिनट का वक्त लगाएं, एक कोने में बैठ जाएं, अल्लाह ताला से बातें करें, उनसे दुआ मांगें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपनी जबान में शेयर करें, ज़रूरी नहीं कि आप अरबी में बात करें, आपका कनेक्शन तो बने उसके साथ। अच्छा, जब आपका कनेक्शन बनेगा तो आपको लगेगा कि भाई जवाब भी आना शुरू हो गया। सही, आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आना शुरू होंगी, वो तब्दीलियाँ आपको नज़र आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ एक निज़ाम औक़ात बनाना चाहिए कि भाई मैं ये 10 मिनट हैं मैं सहरी से फारिग हो जाता हूँ, उसके बाद जो फजर की अजान तक का टाइम है मैं उसमें दुआ मांग लूँ 10 मिनट बैठ के, अल्लाह ताला के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लूँ। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब कुरान करीम का महीना है तो आप कुरान की तिलावत और उस कोशिश करें कि उसका कुछ हिस्सा समझने में भी गुजारें। तिलावत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन अच्छा फिर एक कन्फ्यूजन ये आती है कि ये तो आम आदमी की समझने की चीज़ नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप उसमें से फ़िक्ही मसाइल निकालें ना, आप सिंपल सिंपल सी जो बातें जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं, अल्लाह ताला कहते हैं भाई ये लोगों साफ और सीधी बात करो, अल्लाह ताला कहते हैं झूठ मत बोलो, ठीक है, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अल्लाह रहमान के बंदे होते हैं वो ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं, इसके लिए ये बात बताने के लिए तो आपको किसी फ़कीह की ज़रूरत नहीं है ना, आप तर्जुमा समझ के ये बात कह सकते हैं कि भाई अल्लाह ताला मुझसे ये कह रहे हैं, आपको थोड़ी कह रहा है कोई आप मीरास के मिसाइल उसके अंदर से तलाश करना शुरू कर दें कि ये कैसे होगा और क्या होगा, सीधी सीधी बात है वो तो पकड़ें। तो फिर एक चीज़ मैं नॉर्मली एक तहरीर भी मैंने लिखी थी 30 डे चैलेंज, एक ज़माने में चैलेंज देने का लोगों को शौक चढ़ा था, तो वहीं से मेरे जहन में आया कि भाई 30 दिन का चैलेंज होना चाहिए कि 30 दिन में आप 30 आयतें याद करेंगे, अपने घर में अपने स्पाउस को चैलेंज करें, बहन भाइयों को चैलेंज करें कि भाई सूरह मुल्क तो कम से कम याद करें, याद है तो ज़रा सूरह अलिफ लाम मीम सजदा के ऊपर ज़ोर लगाएं, तो कोई सी भी 30 आयतें चूज़ कर लेंगे, यार मैंने ये 30 आयतें करनी है इन 30 दिनों के अंदर, रोज़ाना एक आयत याद करें। फिर तीसरी चीज़ जो है वो बर्दाश्त है, आप जितने भी अच्छे मुसलमान हैं आप चलते फिरते लोगों का दिल दुखा देते हैं, लड़ पड़ते हैं, अभी आज मैं शॉपिंग के लिए गया थोड़ी सी कुछ सामान खरीदना था, तो एक साहब जो हैं वो काउंटर पे बेचारे एक बंदे से उलझ रहे थे और वो उलझते ही चले जा रहे थे, और दोनों वो ज़ाहिर है वो कह रहा था जी बड़ी मेहरबानी आपकी आप आगे जाएँ, लेकिन वो उलझने के मूड में थे, तो भाई बिला वजह लोगों से ना उलझे, दरगुजर करें, लोगों को इसलिए माफ़ करें उनकी गलतियों को कि अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा। और आप यकीन करें कि हमें तो बहुत कुछ फॉरगिवनेस के बारे में सिखाया गया है, अब तो रिसर्च ये कह रही है कि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो एक्चुअली आप अपने आप को माफ़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आप वो सारा बोझ जो आपने सर पे रखा होता है वो उतार के साइड पे रख देते हैं। सही। आप उस मुसीबत से निकल आते हैं जो कि आप पाल पाल के अपने अंदर बुरे जज्बात पैदा कर रहे होते हैं, तो आपका दिल अगर लोगों से साफ हो जाए, मुश्किल काम है, मैं नहीं कह रहा कि ये बड़ा आसान काम है आपने एक मिनट में माफ़ कर दिया, लेकिन आप ये सोच के माफ़ करें कि अगर मैं इसलिए माफ़ कर रहा हूँ कि मैं किसी को माफ़ कर दूंगा तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेंगे, तो उससे आपका अपना भी फायदा है और ज़्यादा फायदा। सही। फिर दुआ मांगने का टाइम है, दुआ की बात तो हो गई कि आप जो अच्छा, ये बताएं ये माफ़ी पे कोई फजीलत सुना दें, अगर कि लोगों को माफ़ करने पे कोई फजीलत सुना दें, अगर कि क्या मिलेगा अगर हमें दुनिया में किसी को माफ़। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप लोगों को माफ करेंगे अल्लाह के लिए, जो भी काम आपने अल्लाह के लिए करना है ना, उसका अजर फिर अल्लाह ही देगा आपको। मैं अगर सिर्फ ये नियत कर लूँ कि यार फलां शख्स ने मेरे साथ जाती की है और मैं इसे अल्लाह के लिए माफ कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। अगर मैं आपको माफी के अलावा और चाहिए क्या होगा, जिस वक्त आपको जिस चीज की सबसे शदीद जरूरत होगी वो आपको उस वक्त मिल जाएगी, तो आप उस वक्त खुशी का आलम देखें ना, जब आपका रिजल्ट अनाउंस होता है और आपको पता चलेगा जी मैं 2 नंबर से फेल हो रहा हूँ, और कोई आपको बताएगा जी 2 नंबर ग्रेस दे दी गई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 99 की बात है, मेरी परसेंटेज थी 97 की बात, और मुझे शौक था कि मैं डीजे साइंस कॉलेज में पढ़ूंगा, और डीजे साइंस कॉलेज जो है ना वो 80% मार्क्स पे बंद होता था। सही। तो मैं बड़ा इधर उधर मैं धक्के खाए, लिस्ट एक ही दिन लगनी थी दिल्ली कॉलेज की और डीजे साइंस कॉलेज की, दिल्ली कॉलेज की शायद सेकंड लिस्ट थी, तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने देखा कि 5 बंदों के उन्होंने नाम लगाए, 5-7 बंदों के, तो आखिरी नाम मेरा था, मैंने कहा चलो यार सीट तो कम से कम पक्की हुई। फिर मैं वहाँ से निकला, दूसरी बस पकड़ी, मैं डीजे साइंस कॉलेज गया। एक उम्मीद थी कि यार पता नहीं मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, ये 80 पे बंद हो जाता है, मेरा एक नंबर कम है सिर्फ, वो एक नंबर कम वक्त A1 ग्रेड से भी कम था,
आप सोचे ना, एक बंदे का एक नंबर से A1 ग्रेड नहीं आया, वो कितना डिसअपॉइंट होता है। और नाइन्थ में उसका A1 ग्रेड हो, थोड़ी सी गिर गई थी, तो मैं बाहर टहल रहा था जहाँ लिस्ट लगनी है, तवाफ कर रहा था उस जगह का ना, तो लिस्ट लगी, उन्होंने कहा कि पहली दफा ऐसा हुआ कि 79 से ऊपर जितने लोग हैं सब लोग अपने अपने फॉर्म जमा करा सकते हैं। प्रॉब्ली ये भी शायद सेकंड लिस्ट ही थी, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यार जहां मैं पढ़ अच्छा आदम जी, मैंने फॉर्म ही जमा नहीं कराया था, मुझे पता था इतनी औकात नहीं है मेरी ना, तो मैं इतना खुश हुआ, मैंने कहा यार जहां मुझे पढ़ने का मैंने ख्वाब देखा था मैं वहां पहुंच गया। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप वहां खड़े होंगे, आपके तराजू के अंदर जो है ना वो बैलेंस पता नहीं ऊपर होगा नीचे होगा, और कुछ चीजें अल्लाह ताला उसमें अचानक से अपने पास से निकाल के डाल देंगे। अरे तो बस वो तसव्वुर आप कर लें, इस तरह के वाकयात तो हमारे साथ होते रहते हैं कि हमें अचानक से कुछ मिल जाता है और हम कहते हैं यार हम तो डिजर्व नहीं करते थे, मिल गया। तो यहाँ छोटे छोटे काम करेंगे तो वहां बड़े बड़े अजर मिलेंगे, बस ये बात। तो देने वाले का हाथ है उस, वो एक साहब के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने बड़े मजे की बात की कि देने वाले की उंगलियां नहीं गिनो, और यहाँ तो देने वाले की तो कोई बख्शिश का कोई कोई हद हो हिसाब, बेहद हो हिसाब बख्शिश है। मैं देखता हूँ कि मेरे घर में बिल्लियां पड़ी हुई है ना काफी, तो मैं अगर खाना खा रहा हूँ और कोई आके बैठ जाए मेरे सामने, मुझे आपने इधर उधर फिरते हुए भी देखा होगा अभी, तो मैं ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपनी प्लेट में से उसको निकाल के कुछ ना दूं, बावजूद इसके कि उनको खाना मिला हुआ होता है अपना, मगर वो ऐसी शौक में आ जाती है मुझे तंग करने के लिए। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाऊं और वो इग्नोर कर दे मुझे? वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, मैं अपनी बिल्ली को इग्नोर नहीं कर सकता, तो वो मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है? बस ये अच्छा, बात। जबरदस्त हजरत। और क्या क्या और क्या चीज करें हम रमजान में? अच्छा एक चीज जो कि बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं कि हम में से हमें हमें पढ़ने का जौक जो है ना वो खत्म हो गया, तो कम से कम सीरत पढ़ना तो शुरू करें ना। इन एक मुसलमान की जिंदगी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का आईना होनी चाहिए। आप अच्छे वालिद बनना चाहते हैं, आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज अमल था वो बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, या जो बाकी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें थीं उनके साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, उनके साथ कैसा था? आप ये देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ कैसा ताल्लुक था, आपका अपने दामाद के साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए, या सही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा ताल्लुक था, आपका अपने सुसर के साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए? लोग बात नहीं करते भाई, सही आपका अपनी इतनी सारी अजवाज थी माशाल्लाह, आप हम अगर हमारे पास एक बेगम होती है तो हम उसके हकूक भी ढंग से अदा नहीं कर पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजवाज थी और आप किस तरीके से उन तमाम के हकूक अदा करते थे, और अपने साथियों के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे कभी डांटा नहीं, कभी झिड़का नहीं, इतने अरसे में आप सल्लम के साथ रहा, तो क्या तर्ज अमल था? असल चीज तो देखें, मैं कितनी नमाजें पढ़ता हूँ, कितने रोजे रखता हूँ, ये मेरे साथ जाएगा ना, इसका आपको कोई फायदा नहीं है। बात तो ये है कि मेरे अखलाक से कितने लोग मुझे देख के ये कहते हैं कि हाँ यार ये बंदा दीन का थोड़ा सा इल्म रखता है और इससे इसकी जात पे कोई असर पड़ा है ना, कि ये कहेंगे यार ये अजीब सख्त किस्म का आदमी है तो किसी को मुंह ही नहीं लगाता। तो सही आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए। हाँ अखलाक अच्छे होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल फ्लैट हो जाए, जो जिसका दिल चाहे आप पे से चढ़ के चला जाए, तो कहीं ना कहीं आपको नो कहना पड़ता है, आपको सही इनकार करना पड़ता है, प्यार से कह दें। एक किताब मैंने छोटी सी लिखी थी, ई बुक ना की नन्नी किताब, तो अगर किसी को चाहिए तो वेबसाइट के डाउनलोड्स के सेक्शन में पड़ी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नाम नाम बड़ा जबरदस्त है। ना की ना की नन्ही किताब, कि आप ना कैसे करें, ना करना बहुत जरूरी है। हम ना करने से डरते हैं, इसका नुकसान क्या होता है कि जब हम किसी चीज हर चीज को हाँ कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजों को ना कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 प्रोजेक्ट सर पे लाद दिए जाए, मैं हर एक को हाँ कर दूं, नतीजा ये होगा कि उस जो करने वाले काम है वो रह जाएंगे और मैं उनको भुगतता रह जाऊंगा, पता चलेगा कि वो सारे के सारे काम बेकार थे। तो आपको सही इस वक्त इंफॉर्मेशन का सैलाब है, इस वक्त काम का सैलाब है, आप 24 घंटे कनेक्टेड है ना, आपका बॉस आपको कभी भी फोन करके, आपका क्लाइंट आपको कभी भी फोन करके कहता है यार फला काम करो। अब अगर आप हर चीज पे हाँ हाँ ही करे जा रहे हैं, या हर काम को हाँ करे जा आपका रहे हैं, तो अगर आपने 10 ऐसे क्लाइंट पकड़ लिए जो कि लो पेइंग है, तो आप एक हाई पेइंग क्लाइंट को मे बी वो 12 के बराबर आपको पे करता होगा,
कम काम में पे करता होगा, तो आप उसको ना करने पे कभी ना कभी तो मजबूर होंगे या सबका काम खराब कर देंगे। उससे बेहतर है कि आप उतना काम अपनी प्लेट पे रखें जितना आप कर सकते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे आपको ना करना होता है। सही। अच्छा मैं तो इसमें एक बात ये भी समझता हूँ कि जो है ना ये के काम मतलब लोगों को अपने काम से मोहब्बत करनी चाहिए, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस्लामिकली तो हमारी जिंदगी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये कुछ लोग रॉबिन शर्मा से और बहुत सारे फॉरेन ऑथर से ले लेते हैं वो, कि जैसे रॉबिन शर्मा कहता है यू शुड डू योर वर्क लाइक नो वन हैज डन योर वर्क इन द हिस्ट्री ऑफ योर वर्क। ठीक है आप इस स्टैंडर्ड पे भी प्ले करें, बेस्ट इन द वर्ल्ड पे प्ले करना चाहते हैं करें, लेकिन आपके लिए तो अल्लाह ताला ने सब चीज़ों का बैलेंस भी रखा है ना। वरना क्या होता है किसी एक एरिया में आप बहुत आगे चले जाते हैं और बाकी सारे एरियाज जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और हो सकता है वहां पे आप अपने फराइज सही से नहीं अदा कर पा रहे। असल में देखें जिस तरह हमारी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का आईना होनी चाहिए, इस तरह हमारे खालिक का भी आईना होनी चाहिए, उसकी सिफात हम में झलकनी चाहिए ना। सही। रूह तो उसने अपनी फूकी थी हमारे अंदर। तो कहता है अल्लज़ी अहसना खल्क़हू खलकहू, के जिस चीज को उसने बनाया उसको उसकी हुसन तक पहुंचा, उसको बेहतरीन सांचे तक पहुंचा दिया। सही। तो हम भी अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है, तो हमें चाहिए कि हम जो काम करें अच्छे से करें। अच्छा आगे यहाँ पे मैं फिर वापस मोबाइल पे आऊंगा। सही। मैं बैठा हुआ हूँ अगर घर वालों के साथ और मेरे हाथ में मेरा फोन है, या मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ मेरे हाथ में मेरा फोन है और ये मुझे मुसलसल टी 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 करके डिस्टर्ब करता है, जो कि आजकल बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस है, तो मैं उनको 10 मिनट भी दे रहा हूँ तो वो प्योर नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं उनको प्योर टाइम दूंगा, बिल्कुल पक्का पक्का टाइम है, वो उनका टाइम है, इस दौरान में फोन साइड पे होगा तो उनको कभी मुझसे शिकायत नहीं होगी। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं उसमें बीच में 20 बार डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो मैं कभी वो क्वालिटी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता जो कि अनडिस्ट्रैक्टेड क्वालिटी है। इसी तरह जब आप अपनी जिंदगी को बांट लेते हैं कि यार मुझे अल्लाह और रसूल के साथ ताल्लुक रखना है, मुझे अपनी जात के साथ ताल्लुक रखना है, उसको भी नहीं भूलना है, मुझे अपने घर वालों के साथ, करीबी फैमिली के साथ, माशरे के साथ, सबको थोड़ा 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 करके देना है, और जो मुझसे बेस्ट हो सकता है अपनी जान मैं पूरी मारूंगा, उसके बाद कमी बेशी जितनी हो जाती है, इंसान की जात परफेक्ट तो नहीं है, तो मैक्सिमम करें। तो हमारा दीन भी तो हमें यही सिखाता है, दीन हमें कहता है कि भाई आप एहसान के दर्जे पे जाओ, फिर अगर आपकी नियत ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, ये जो पूरा सर्कल मैंने आपको बताया, इस पूरे सर्कल के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना किया हो। हमें तो मना नहीं किया कि हम अपने ऊपर तवज्जो, अल्लाह ताला को नबी अकरम की हदीस है कि कवी मोमिन पसंद ज़ईफ़ के मुकाबले में, कमजोर इंसान कमजोर मुसलमान पसंद नहीं है, मजबूत ताकतवर मुसलमान पसंद है। तो भाई मैं अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं तो अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी कर रहा हूँ, मेरी फैमिली का मुझ पर हक है, तो मैं अगर फैमिली को टाइम दे रहा हूँ तो वो भी जो है वो अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी कर रहा हूँ। मैं अगर अपने करीबी रिश्तेदारों को पूछ लेता हूँ, सिला रहमी का तो हुक्म है, मुझे रिस्क हलाल कमाने का हुक्म मिला है, तो मैं अगर अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, रिस्क हलाल कब है, जब मैं अपना 100% जिस चीज़ की मेरा इदारा मुझसे डिमांड करता है मैं अपनी जान लगा के वो दे देता हूँ उसको, जो मेरी जॉब की डिमांड है, अगर मैं वो पूरी कर रहा हूँ तो उसको अच्छे तरीके से करो तो वो रिस्क हलाल है। सही। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि दीन का हिस्सा नहीं है, जो कि नई है, जिसको आप कह रहे ना कि हमें तो दीन ने ये बताया नहीं था और हमें बाद में आके फलाने मोटिवेशनल स्पीकर साहब ने बता दिया कि ये तो ऐसे करना था, सब चीजें मौजूद हैं, आप ढूंढने वाले बने तो आपको सब मिल जाएगा। 5 AM क्लब के ऊपर मैंने एक छोटी सी तहरीर लिखी थी कि आप तो उस क्लब के मेंबर उस दिन बन गए थे जिस दिन आपके कान में अजान दी गई थी, है ना, तो उसमें कौन सी नई बात है यार, आप तो रोजाना ही 5 बजे सुबह उठना होता है, तो ये और बात है कि हम उसके बाद नमाज पढ़ के सो जाते हैं बस। सही। लेकिन ये कि हमें उठने के लिए तो कहा गया है ना, हमें जल्दी सोने के लिए कहा गया, मैं 2 बजे तक जागता रहता हूँ वैसे, अल्लाह माफ करे, लेकिन ये कि आजकल टाइम टेबल थोड़ा आउट हुआ है, बट इन जनरल हमें अगर हम अपने दीन के मुताबिक चलें तो हम वो काम सारे पहले से कर रहे हैं, अमल नहीं करें ना, नॉलेज होने में और अमल करने में बड़ा फर्क है, तो अमल से जिंदगी बनती है, जहन्नम भी। और यही बात मैंने भी एक्सपीरियंस की जब फॉरेन ऑथर्स को पढ़ा ना, तो उनकी बहुत सारी बातें जो है ना वो हमने कहीं ना कहीं तबलीग में दीन में सुनी भी होती थी, बस ये होता था कि वो उर्दू में सुनी होती थी या दीन के पैराडाइम से आई भी बात होती थी तो हम उसको वैल्यू नहीं करते।
और वही बात जो है ना वो, हालांकि ये 5 AM क्लब के ऊपर से तो पहले हदीस हमारे पास मौजूद है ना वो, के मेरी उम्मत की बरकत सवेरे में है, और एक दुआ है वसल्लम की के मेरी उम्मत के सवेरे में बरकत अता फरमा। अच्छा जनाब, और कोई ख़ास बात जो रमज़ान में हम लोग जिस पर जिसका एहतमाम करें? अच्छा, सबसे अहम चीज ये है कि जो मैं उस वक्त कह रहा था कि मुताले की आदत थोड़ी सी जरूर डालें। तरीक़ेकार ये होना चाहिए, अगेन मैं फिर से कहूंगा कि व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट कंट्रोल। तो आपके पास एक एक समझ लें कि एक सिस्टम होना चाहिए नोट डाउन करने का, यार आज मैंने इतना पढ़ा है। उर्दू पढ़ना चाहते हैं उर्दू पढ़े, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश पढ़े। टाइम स्पैन हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना वो बहुत कम हो गया है, हम ज्यादा देर एक काम कर नहीं सकते, तो उसकी प्रैक्टिस करके उसे बढ़ाना पड़ेगा। और नमाज और सज्दे से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस उसकी मुझे तो नज़र नहीं आई कि आप अगर अपना सज्दा लंबा कर दें तो उसमें आपको बड़ा मज़ा भी आता है और आपकी इर्तकाज़ की प्रैक्टिस भी होती है। नमाज के अंदर आप फोकस करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको, आजकल हम लोग तो गुनाहगार लोग हैं, बार बार जहन इधर उधर चला जाता है, उसको वापस लेकर आए कि भाई जो काम कर रहे हैं उसके पास उस पर रहे। और तीसरी चीज़ है कि अभी रोज़ा है, मुशक्क़त के दिन है ना, हमें थोड़ी सी मुशक्क़त करने की आदत पड़ जाएगी, तो ये जो मुशक्क़त की आदत है कोशिश करेंगे इसको जारी रखें। सही, अगर 2 दिन रोज़े रख सकते हैं, जो कि मुश्किल काम है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये आसान काम नहीं है कि आप हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखें, लेकिन अगर रख सकें तो उसके बड़े ही बहुत ही बरकात हैं। अगर आप साइंटिफिकली देखें तो दुनिया जा रही है इस वक्त ऑल्टरनेट डे फास्टिंग पे या 5:2 फास्टिंग पे, इसके ऊपर रिसर्च भरी पड़ी हुई है और प्रॉपर रिसर्च भरी पड़ी हुई है, मैं इधर उधर की हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसके ऊपर रिसर्च देखेंगे तो लोगों ने ऑल्टरनेट फास्टिंग और 5:2 फास्टिंग की बड़ी रिसर्च की है, इससे आपके बड़े ही हेल्थ के ऊपर अच्छे असरात पड़ते हैं। कुछ अरसे मैंने करके देखा, मुझे फायदा हुआ, लेकिन मैं उसको जारी नहीं रख सका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, उसमें से एक मेरा खाने पीने का शौक भी है कि मुझे खाने का शौक थोड़ा ज्यादा है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑफिस में बैठ के मैं सारा टाइम निबलिंग ही कर रहा होता हूँ। लेकिन ये कि करने की, जिन लोगों में दम है वो उनको करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके अच्छा यार भाई, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हम लोगों का रमजान से लेकर, कि ना जैसे रमजान में अल्लाह ताला सर्कस शयातीन को बंद कर देते तो रमजान में हमारा एक रिदम बनता है, लेकिन अल्लाह हमें हिदायत दे कि हमने ना इस बात को बहुत बड़ा जवाब बना दिया कि वो चांद रात होते हैं, हम कहते हैं अब तो शैतान खुल गया और अब हम उस रूटीन को कंटिन्यू नहीं रख सकते। इसमें हकीकत है, मतलब अल्लाह ताला ने जो है ना वो शैतान सर्कस शयातीन को तो बंद किया हुआ है रमजान में, लेकिन हम ना अपनी अपने किए पर भी ना फिर वो शैतान को ही ब्लेम कर देते हैं, और ईद के बाद फिर जो लाइफ पलटती है वो ये होता है कि बस पूरे रमजान रोक के बैठे हुए थे, ये सारी चीजें रमजान खत्म, और अब तो इस कंफ्यूजन को जरा दूर करें, ये ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमारे पास। असल में आप यूं समझ लें कि रमजान जो है ना वो सेल्फ डिसिप्लिन की थोड़ी सी प्रैक्टिस है। अच्छा, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आएगा? जब आपके दिन में कुछ हुक्स लगे हुए होंगे, अदरवाइज आप ड्रिफ्टिंग करते करते पूरा दिन गुजार देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा दिन किधर चला गया। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप फोन उठाते हैं स्क्रॉलिंग करने के बाद आपको पता चलता है यार 45 मिनट से मैं स्क्रॉलिंग ही कर रहा हूँ, फेसबुक बंद करता हूँ खोलता हूँ, बंद करता हूँ खोलता हूँ, फिर बंद करता हूँ, व्हाट्सएप पे जाता हूँ वापस आता हूँ, फिर फेसबुक पे आ जाता हूँ। ये सब करते हैं, मुझसे भी हो जाता है कभी कभार, लेकिन अगेन ये वो रोज लड़ने वाली जंग है ना। तो अब ये प्रैक्टिस, ये कहाँ से आएंगे हुक्स? ये आपकी 5 नमाजें, अगर आप इन 5 नमाजों को कायम कर दें, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके दिन के अंदर 5 हुक लग जाएंगे कि यार ये 5 काम तो मैंने अपने टाइम पे करने हैं। अब आप उसके इर्द गिर्द अपना टाइम टेबल बिल्ड करना शुरू करें। मेरी एक वर्कशॉप है ट्यून इन टू द क्लॉक, अगेन उसकी डाउनलोड्स मेरी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, डाउनलोड सेक्शन में, वहां से मिल जाएंगे अगर कोई देखना चाहे। और दूसरी चीज ये कि वो उसकी वीडियोज यूट्यूब पे मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, एक प्लेलिस्ट है पूरी ट्यून इन टू द क्लॉक की, तो अगर उसको मिला के देखेंगे वर्कशीट के साथ तो समझ में आएगी क्या है। तो अब उसमें बेसिक मैंने प्लान यही बताया है कि भाई 5 आपके ये हुक हैं, आपने इसके इर्द गिर्द 10-10, 10-10, 15-15 मिनट के मामूलात बिल्ड करने हैं। उसमें कुरान पढ़ना भी हो सकता है, उसमें एक हदीस आपने पढ़ ली, उसमें कुछ तर्जुमा पढ़ लिया, उसमें कुछ देर बैठ के आपने मेडिटेट कर लिया, उसको आप मुराकबा कह लें, मेडिटेशन कह लें, कुछ देर आपने, मैं उसको कहता हूँ इर्तकाज की मशक, आसान जबान में कुछ आपने कुछ मुताले का वक्त रख लिया, वॉक का टाइम रख लिया, कुछ तस्बीह का टाइम रख लिया, कुछ ऐसे मामूलात अपने दिन में बनाए। लेकिन अगेन आपको ये कागज पे लिखना पड़ेगा, एक आपको बनानी पड़ेगी चेकलिस्ट। अगर ये
और वो चेकलिस्ट आप मोबाइल फोन पे बना सकते हैं, वो चेकलिस्ट आप कागज पे करके उसको हार्ड कॉपी करा के, हार्ड कोड करा के रख सकते हैं, उस पर टेक लगाते जाएं इरेजेबल मार्कर से, कोई भी तरीका हो सकता है, सही पीडीएफ करके रख लें अपने सही पास। सो वो चेकलिस्ट के अंदर 15-20 काम ऐसे हों जो कि आपने रूटीन में करने हैं, जिसमें आपकी हेल्थ का काम भी हो, आपने 5 मिनट अपनी वालदा मोहतरमा है, वालिद साहब है किसी के, वो उनके साथ बैठ सकता है, बच्चों के साथ सही बैठ के गपशप लगानी है 10 मिनट 15 मिनट, बिल्कुल फोकस होके। सही तो इस तरह आहिस्ता 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 जो है वो आपका एक स्केड्यूल बन जाएगा। तो जब छोटे छोटे पैक्स लगे हुए होंगे दिन में ना, तो फिर आप जो 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 खेमा होता है ना उस पर 4 पैक्स इसीलिए लगे हुए होते हैं दो चारों तरफ के, वो उड़े ना, और 2 बीच में लगे हुए होते हैं। इसी तरह आपके दिन में अगर पैक्स लग जाएंगे तो वो दिन उड़ेगा नहीं कहीं, वो आपको पता होगा कि यार चलो भाई नमाज का टाइम आ गया है, इसे 10 मिनट पहले ये करना है, 5 मिनट पहले ये करना है, इसके 10 मिनट बाद ये करना है, 5 मिनट बाद ये करना है, 20 मिनट बाद ये करना है, तो वो चंद मामूलात फिक्स हो जाएंगे आपके। इस तरह होता है। सही, तो ऐसा है कि वो कैद हुआ है ना, तो हमें लगता है बस ये हमारी रूटीन है और हम इस रूटीन को जो है ना वो उसके बाद देखें। अच्छा, हम जरा हैबिट ऑफ रीडिंग की तरफ दोबारा आते हैं यार। मैं अगर इससे अपोज करूँ आपसे यार, क्या करना है रीडिंग को, अभी ऑडियो बुक्स भी हैं, अभी इतना वीडियो पे कंटेंट अवेलेबल है, तो यार रीडिंग में क्यों आप उस पुरानी दुनिया में दोबारा डाल रहे हैं, इतना सारा कॉन्टेंट वीडियो पे अवेलेबल है, भाई यूट्यूब खोल के देख लेंगे, कुछ देखना होगा तो क्यों करें मोटी मोटी किताबों की रीडिंग। अच्छा देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी मोटी किताब की रीडिंग एक दफा करें, लेकिन रीडिंग आपका आपकी एक चीज, एक बड़ी खूबसूरत किताब है, उसका नाम है हाइपर फोकस, क्रिस डेली नाम है ऑथर का। वो ये कहता है कि जब आप रीड करते हैं इन जनरल, या थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हैं माइंड को, तो उस वक्त वो आपका माइंड एक इमेजिनेटिव मोड में जाता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, ये एग्जांपल उसको ज्यादा समझ में आएगी जिन्होंने पहले किताब पढ़ी है, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम लोग होंगे। हैरी पॉटर की पूरी सीरीज मैंने पढ़ डाली, उसके बाद मैंने फर्स्ट मूवी देखी तो मेरा मूड इंतहाई खराब हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बनाया इन्होंने, बिकॉज वो चीज जो मेरा इमेजिनेशन था ना उससे बिल्कुल डिफरेंट। बाद में 2-3 दफा देखी या झलकियां देखी तो फिर समझ में आ गई कि हाँ यार ठीक है चलो कोई बात, हजम हो गई। लेकिन अब जिसने वो मूवी देख ली है उसने वो इमेजिनेशन कैप्चर ही नहीं किया। हम बचपन में पढ़ते थे उसकी आज तक तो कोई तस्वीर नहीं बनी, उम्र यार की कहानियां, वो जो दास्तान अमीर हमजा है पूरी, अगर आपने वो पढ़ रखी है तो आपके जहन में वो तिलसे में होशरबा जो है ना वो पूरा का पूरा मौजूद होगा अपनी। ये चीज जो है ये बच्चों में से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी अगर वो सिर्फ ऑडियो बुक नहीं करेगी आपके साथ, ये वीडियो कंटेंट आपको नहीं देगा इमेजिनेशन का टाइम। ये जो इमेजिनेशन बिल्ड करना है ना, खास तौर से अगर आप क्रिएटिविटी वाला काम कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जा रहे हैं, आप कुछ लिखने की तरफ जा रहे हैं, मेरा तो काम लिखना है, मैं लिखने का शौकीन हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक जुमला मुझे नजर मिलता है और उस जुमले पे पूरी स्टोरी बन जाती है। अब परसों मैं क्लास ले रहा था, करियर काउंसलिंग का एक कोर्स मैं कर रहा हूँ, तो हमारे सर ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, मैंने उनकी क्लिप भी शेयर की, लेटर बॉक्स, तो एक जुमले के ऊपर 10 मिनट में पूरी स्टोरी बन चुकी थी मेरे दिमाग में, अभी वो अपनी बात कर ही रहे थे। मैंने उनको कहा कि सर आपको इसका नतीजा थोड़ी देर में मिल जाएगा। सो वो इमेजिनेशन की पावर डेवलप ही उस वक्त होगी जब आप रीड करेंगे। ये ऑडियो बुक इस इमेजिनेशन की पावर को डेवलप करने में मेरा नहीं ख्याल के, मेरा अपना तजर्बा नहीं है, मुमकिन है किसी के लिए हो, लेकिन मेरी राय में यह है कि वो इतनी केपेबल नहीं होगी कि आप इमेजिनेशन बिल्ड कर सकें उसका। ऑडियो बुक ना, ऑडियो बुक सही। अच्छा, ऑडियो क्योंकि ऑडियो बुक में ना मेरा भी थोड़ा सा तजुर्बा यूँ रहा कि मैं ऑडियो बुक लेता था फिर मैं उसकी स्पीड भी बढ़ा देता था। अच्छा, मेरा चूंकि जो एरिया रहा है ना वो ज़्यादातर वो है नॉन फिक्शन है, क्योंकि हमारा तो ट्रेनिंग वगैरह का वो है, तो उसमें चूंकि इतनी कहानियाँ होती नहीं है, उसमें तो टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं, तो वो कम चले वो तो इधर उधर से कुछ चीज़ें मैचअप हो जाती हैं, लेकिन ये मुझे भी फर्क काफी महसूस होता है कि जो चीज किताब में पढ़कर बंदा गया होता है ना, या तो वो इतने स्लो पेस से यानी नेचुरल पेस से आपने ली होती है कि वो फिर आपको याद रहती है, याद रहती है, प्लस आप अपने ज़हन में उसको बना रहे होते हैं ना, साथ साथ बिल्ड कर रहे होते हैं उस वर्ल्ड को। अच्छा, ऑडियो बुक की अपनी अफादियत है, आप मतलब अगर आप ड्राइव करते हुए ऑडियो बुक सुनते हैं, मेरी तो आदत है मैं सुनता हूँ, तो आप समझ लेंगे अगर आप रोजाना 1 घंटा ड्राइव कर रहे हैं तो आप 1 घंटा तालीम में गुजार रहे हैं अपनी,
और अगर बिल्कुल आप हफ्ते में 6 घंटे ड्राइव करते हुए कुछ अच्छा सुन रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आप समझ लें कि आप सही, यूनिवर्सिटी से 2 कोर्सेज कर रहे हैं उस चीज पे। और बिल्कुल आपने भी बिल्कुल यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है, 2 कोर्सेज करना कितना अजाब होता है एक हफ्ते में, आपको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि रोजाना जाके आप हफ्ते में 2 दिन 3 3 घंटे की क्लास लें, आपके दिमाग जो है ऐसा लगता है कानों में से बह के बिल्कुल बाहर आ जाएगा। सो वो चीज आप बिट्स एंड पीसेस के अंदर बाइट साइज इंफॉर्मेशन की हालत में आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो आप सुन रहे होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं, वो आपके मुंह से बाहर आता है, वो आपकी शख्सियत से छलकता है। अब अगर इसमें सिर्फ कचरा और खबरें जाएंगी तो इसके अंदर से निकलेगा भी फिर वही कुछ। तो बिल्कुल मैं अक्सर जो भी मुझसे वही मशवरा निकलेगा, लेता है, मतलब यार टीवी देखना और न्यूज़ देखना बंद कर दो, अल्लाह का वास्ता है, ये नेगेटिवली बायस होती है। तो नतीजतन आपका अलहमदुल्ला दिमाग मैंने और कोई 2008 में चीज छोड़ा हर था। तरफ नेगेटिविटी ही है। बिल्कुल 2008 में मैंने छोड़ा था न्यूज़ देखना, टीवी देखना, और उससे पहले मुझे लगता था बस किसी भी लम्हे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, और उसके बाद से फिर मुझे अच्छी चीज़ें नज़र आई पाकिस्तान में, इंडस हॉस्पिटल नज़र आया, हुकूमत नज़र आई, और मुख्तलिफ ट्रेनिंग के इदारे नज़र आए यार, बहुत कुछ अभी हो सकता है। ये बिल्कुल आपकी बात जो है ना, वो मैं इससे बिल्कुल इसको सेकंड करूंगा कि वो अच्छा, और हम लोगों का अजीब बिहेवियर बना हुआ है कि हम वो एंटरटेनमेंट या न्यूज़ वाली साइड बस इन दो के तरफ जा रहे होते हैं, न्यूज़ से हमें मसाला मिल रहा होता है और एंटरटेनमेंट से हमें जो है ना वो मुझे मेरा एक छोटा सा वो है वल्लाह आलम इसके ऊपर, मैं तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि मीडिया के दो आप चंक्स बना सकते हैं, न्यूज़ आ रही है या फिर एंटरटेनमेंट आ रही है। अच्छा, हर इंसान के अंदर ना कुछ करने का जज्बा होता है, अब अगर वो माशरे की बेहतरी के लिए कुछ करने का सोच रहा है तो वो न्यूज़ चैनल उसे पहले ही रोक देता है कि यार सब बकवास है, सब तबाह हो रहा सब है। तबाह है, कुछ नहीं, सब तबाह हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो वो कुछ करने का जज्बा है ना, वो इधर फिर वो एंटरटेनमेंट वाली साइड पे चला जाता है कि मैं फिर अपनी बॉडी बना लूँ और मेरा चेहरा कैसा लग रहा टिकटॉक है। की वीडियोस अच्छा, और बनाओ। मैंने बच्चों के साथ टिकटॉक की वीडियोज़ बनाऊँ, बच्चों के साथ क्योंकि मेरा भी टीचिंग से ही ताल्लुक है पिछले 10 साल से, और मैं यंगस्टर्स को पढ़ाता हूँ कॉलेज लेवल पर, तो मैंने बच्चों से सवालात किए, मैंने बोला यार देखो ये एडी साहब हैं, ये अब्दुल बारी साहब हैं इंडस हॉस्पिटल के, ये हुकूमत वाले अमजद साकिब साहब हैं, अब ये चेहरे में ही आम से लोग हैं, बट दैट दीज शुड बी आर हीरो रादर देन कोई मूवी स्टार या कोई टिकटॉक स्टार हो। तो अब एक बच्चा उठ के कहता है सर वो टिकटॉक वाले भी मेहनत तो करते हैं। बोला अल्लाह के बंदे, वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन तुम वो तो देखो कि उनका जो है ना वो क्या है इसको। हजरत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला यार, रमजान के हवाले से कोई मजीद चीज अगर ऐड करना चाहें। बस ये आखिरी दफा मैं अपना पैगाम रिपीट कर देता हूँ कि खूब दुआ मांगे अल्लाह ताला से, जो मांग सकते हैं मांग लें, ये मांगने का वक्त है। उसके बाद जितना कुरान पढ़ सकते हैं पढ़ें, समझें, याद करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, उसको अपनी जात में लेकर आएं, कुरान के अंदर से भी जो सीखें उसको उसको अमल में लेकर आएं, ये बहुत जरूरी है। हम पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, देखें नॉलेज होने का उस वक्त तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको अमल में नहीं लेकर आ रहे। अगर आप सारा दिन तिलावत करते हैं, बाहर निकल के झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, तो ऐसी तिलावत आपकी बाद में यही लोग ले उड़ेंगे आखिर में। तो वो बिल्कुल अमल मुफलिस के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि भाई मुफलिस कौन है, बाद में बता दी मुफलिस मुफलिस वो है जो कि आएगा तो उस दिन माल लेके इतना सारा नेकियों का, और उसके बाद वो जब उसके हुकूक जिस जिनके उसने गसब किए होंगे वो आएंगे और वो सारा कुछ ले जाएंगे, तो आखिर में उसके पास कुछ बचेगा नहीं। तो सही, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं अगर वो अमल में नहीं आ रहा तो वो बेकार है। मैं लिखता हूँ तो मैं सिंगल पेजर लिखता हूँ, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि यार अगर कोई मुझसे पूछता है अगर आप वाकई में इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो आप उस सिंगल पेजर से अपना एक एक्शन पॉइंट लिखें, एक डायरी बनाएं, एक एक्शन पॉइंट लिखें, उसको अपनी जिंदगी में शामिल करें, ये तय करें कि यार मैं इस पे इस तरह अमल करूंगा। तो जब तक आप अमल नहीं सही करते तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। सही। बस ये अच्छा हजरत, मैंने आपकी वेबसाइट खोल ली है, तो अगर आप हमें थोड़ा सा गाइड भी करते जाएं तो कि इस वेबसाइट पे क्या क्या हमें मिल जाएगा, होम है, फिर ये थोड़ी सी अरबी में क्या है, अच्छा, और इसमें बुक से कुछ शॉप। ऐसे हैं जो कि मंसूबे हैं, ये मुझे याद दिलाने के लिए है, ये थोड़ी सी अरबी सही चेंज हो जाएगा कलिमात के अंदर। मेरा प्रोग्राम था कि एक अरबी कुरानिक अरबिक का एक कोर्स डेवलप करूं,
इसके ऊपर अभी काम मैंने शुरू नहीं किया है। ऊपर से अगर आप आएंगे तो आपको ब्लॉग्स में कुछ मिल जाएगा, एमकैट पे कुछ काम हुआ है लेकिन अभी वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वो इधर नहीं आ रहा। स्कूल और कॉलेज के ऊपर भी, साइंस के ऊपर भी जो काम हुआ है, मैं बहुत जमाने तक नाइन्थ से लेके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक बायोलॉजी पढ़ाता रहा हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि जो कुछ भी मैं पढ़ाता रहा हूँ वो मैं कहीं छोड़ जाऊं ताकि मेरे बाद भी वो लोगों के काम आता रहे। तो वो एक वक्त चल रहा है। ये डाउनलोड्स का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपको छोटी छोटी सी ई बुक्स मिल जाएंगी जिनका मैं ये चाहूंगा कि आप ना थोड़ा सा, जैसे आपने वो नाक की नन्नी किताब का बताया ना, ऐसे एक एक बात अगर हर किताब के बारे में बता दें तो देखने वाले इसे आराम से फिर देख सकेंगे। जनाब महवर क्या है? महवर मेरी पहली किताब है, महवर वन, और इसके बाद महवर टू जो है इस वक्त कोरोना की नजर हो गई है, वो गई हुई है पब्लिशर के पास, तो इंशाल्लाह वो भी आने वाली है। लेकिन इससे ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें इसलिए हमने इसको पीडीएफ करके आम पब्लिक के लिए खोल दिया है कि जो पढ़ना चाहे पढ़े, पढ़े तो सही। महवर वन है ये, महवर टू इस वक्त पीडीएफ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी की पूरी अवेलेबल है। तो जो सुनना चाहे वो याहिया नूरी सर्च करके महवर टू की प्लेलिस्ट पे जाके सुन सकता है। तीसरी किताब इरफान होगी, अभी वो ना यूट्यूब पे है ना रिटन फॉर्म में है, लेकिन वो इस तरह की छोटी छोटी जो क्लिप्स मैं लिखता हूँ उसकी फॉर्म में मुतफर्रिक हालत में यहाँ पे ब्लॉग्स में मिल जाएगी आपको। दूसरी चीज जो है मुझे यहाँ से नजर तो नहीं आ रहा है, अगर आप मुझे बता देंगे आपने क्या खोला हुआ है। वक्त के साथ कदम ब कदम, ये वर्कशॉप है हमारी ट्यून इन टू द क्लॉक, इसकी उर्दू और इंग्लिश की वर्कबुक्स हैं। इन वर्कबुक्स के अंदर आपको यूट्यूब के लिंक्स मिल जाएंगे जो कि स्पेसिफिकली उस सेगमेंट तक आपको ले जाएंगे जिसकी बात हो रही है। फिर एक हमने दूसरी वर्कशॉप कराई थी स्ट्रेस मैनेजर टूल किट के नाम से, जो आपकी जिंदगी में स्ट्रेस के मामलात हैं उनसे डील करने में आपको हेल्प करेगी। तो ये इसका भी एक इंग्लिश वर्जन है, अगर आप नीचे आएंगे तो ऊपर उर्दू वर्जन है, नीचे आएंगे तो इंग्लिश वर्जन है जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है। इसी से रिलेटेड एक बुक थी जिसका नाम था घबराना नहीं है, एक किताब है ना की नन्नी किताब, आपको बताएगी कि आप किस तरह प्यार मोहब्बत से लोगों को ना कर सकते हैं, आप उनसे माजरत कर सकते हैं। एक है मुबारक रमजान, इसमें सिर्फ 7 बातें जो कि आपको रमजान के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, तो आजकल के हिसाब से ये बड़ी अहम किताब है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, तो ये डाउनलोड कर सकते हैं। सही, और अब आप अपने YouTube चैनल की प्लेलिस्ट भी हमें बता दें कौन कौन सी प्लेलिस्ट है, ताकि हमें कुछ तो वो मुझे बायोलॉजी की नजर आ रही है। चंद एक है, असल में मैं एक ग्रुप रन कर रहा था WhatsApp के ऊपर महवर बायोलॉजी सर्कल्स के नाम से, जिसपे मैं इंटरमीडिएट का निसाब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा पढ़ा के अपलोड कर रहा हूँ। और अगर आप बाकी देखेंगे तो आपको कुछ वीडियो क्लिप्स नजर आएंगी, आपको एमकैट के हिसाब से कुछ चीजें नजर आएंगी, मेरी कुछ डिस्कशंस हैं, महवर है, इरफान है, और महवर वन और महवर टू ये दोनों मौजूद हैं, और कुछ इधर उधर की जाने वाली बातें हैं, गुफ्तगु है कुछ थोड़ी सी, तो काफी कुछ है यहाँ पे, कोई चाहे तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। एमकैट के हवाले से कुछ मटेरियल है, तो ये ज्यादातर चीजें जनरल पब्लिक के लिए। जजाक अल्लाह सर, अब मैं चाहूंगा बिल्कुल बस अब आप अपना दोबारा से एक क्लोजिंग पॉइंट दे दें ताकि फिर हम अल्लाह हाफिज करें अपनी ऑडियंस को। सर बस क्लोजिंग पॉइंट ये है कि कामयाबी जिसे हम कहते हैं वो रोज़ाना मेहनत करने का काम है, वो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में नहीं मिलती, वो एक संग तराश की तरह आपको रोज़ाना हथौड़ी चलानी है, रोज़ एक कदम बढ़ना है, सफ़र को इंजॉय करना है। असल चीज़ ये है कि जनाब जो आपकी जर्नी है वो रिवॉर्ड है, तो आप एंड की तरफ नहीं देखेंगे, आप एक एक कदम इंजॉय करते हुए गुजारेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा उस सफ़र के अंदर। इसको सफ़र समझें और रोजाना अपनी तामीर करते जाएं, ये बुनियादी नुक्ता है कि भाई आपने रोजाना आप अपना आज का दिन पिछले गुजरे हुए दिन से बेहतर गुजारना है, आपने आज कुछ नया पढ़ना है, कुछ नया सीखना है, कुछ भी सीखते रहे जिंदगी के आखिर तक सीखते रहे, और आपको आप देखिएगा आपको इस किस्म की जिंदगी में मजा आएगा जिसमें आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ हासिल कर रहे होंगे रोजाना, बस यही बात। जजाक अल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह आपको दोबारा फिर कभी जहमत देंगे चैनल पे, बहुत जबरदस्त। आपने भी वक्त निकाला और मजा आया, किसी दिन हम इस तरफ बैठेंगे और आप उस तरफ बैठेंगे और फिर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात।